जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक डायनेमिक टेबल जो है वो पीएचपी के थ्रू बना सकते हैं यूज़र से इनपुट लेकर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये टेबल है और इसके अंदर मैं यहाँ पे जो है वो इनपुट करता हूँ, 5 कॉलम में यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं 4 रोज ले रहा हूँ। अब मैं इसको जैसे ही इनपुट दे के सबमिट करता हूँ तो ये देखिए, हमने 5 कॉलम्स ली थी, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कॉलम बन गए हमारे पास। और रोज़ देखिए 4 हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 रोज़ 5 कॉलम्स हो गए। ठीक है, अब ये पूरा प्रोग्राम किस तरीके से पीएचपी के बना है, इसके लिए आप पूरी वीडियोस एंड तक देखिए। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सीएसएस के ऊपर कुछ काम किया है, उसके बाद ये फॉर्म आ गया है। फॉर्म के अंदर पोस्ट का मेथड लिया है, टेबल जनरेटर डॉट पीएचपी, यानी इसी पेज के ऊपर मैंने इसको वापस रिटर्न कराया है। उसके बाद इनपुट है, इनपुट के अंदर हिडन और टेबल कॉलम कॉलम के लिए, कॉलम की वैल्यू लेने के लिए इनपुट टाइप, और यहाँ पे रोज की वैल्यू के लिए नहीं है, टेक्स्ट की इनपुट टाइप। उसके बाद ये इनपुट टाइप सबमिट का बटन। तो असल जो काम है फिर वो यहाँ पर है कि पीएचपी के अंदर हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि ये हिडन पास हुआ है, इस सेट है, तो फिर हम यहाँ पे कॉलम और रो की वैल्यू लेके उसको कॉलम और रो के वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन हम बना रहे हैं, उस फंक्शन को हम टेबल जनरेटर के नाम से बना रहे हैं और उसके अंदर 2 आर्गूमेंट्स हम पास करा रहे हैं, CR। ठीक है, इको हमने कराया टेबल को, टेबल का जो टैग है वो हमने HTML का टैग उसको ओपन करा, क्लास टेबल कुछ CSS का काम किया और बॉर्डर ये इसका रखा। उसके बाद फॉर लूप है, फॉर लूप में हम आई इज इक्वल टू 0 दे रहे हैं इसको। उसके बाद आई अगर छोटा हो आर से, यानी जो रो की वैल्यूज हैं उससे आई छोटा हो, यहाँ पे आर से मुराद रोज की वैल्यू है, अगर रो से छोटा है तो फिर आई के अंदर इंक्रीमेंट करो, इस जो इसका डेटा है इस कोड है इसको एग्जीक्यूट करो। उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसमें हम सिर्फ आर को जो है वो एग्जीक्यूट करा रहे हैं कि डॉलर आर बने, टी आर बने, टेबल की जो रो है उसको, जितनी भी रो हमने वहाँ दी होंगी उतनी ये रो बन जाएंगी, उतनी दफ़ा ये लूप चलेगा। उसके बाद फिर फॉर लूप एक और ले रहे हैं और यहाँ पे जे जे को असाइन कर रहे हैं 0, और जे को हम कह रहे हैं कि डॉलर जे छोटा हो, कंडीशन लगाइए कि वो डॉलर सी यानी कॉलम की वैल्यू से अगर छोटा हो तो इस लूप को चलाओ। इस लूप में हम टी डी दे लें कि जितने डेटा होंगे वो टी डी का टेग लगाते रहेंगे, और यहाँ पे हम जे प्लस प्लस यानी उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं जे को। फिर उसके बाद ये लूप ख़त्म हो गया, फॉर लूप को भी हमने ख़त्म करने के बाद टी आर को क्लोज करा, यहाँ पे टेबल को क्लोज किया, और यहाँ पे हमने टेबल जनरेटर का जो हमारा फार्मूला ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने जो है यहाँ पे कॉल कराया और इसको हम पास करा रहे हैं डॉलर कॉलम का जो वेरिएबल है ये वाला ये, और डॉलर रो के अंदर हम ये वाला जो डॉलर रो का वेरिएबल है इसको हम यहाँ पे पास करा रहे हैं। ठीक, तो उससे हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ है। दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो मैं लेता हूँ 11 और यहाँ पे मैं लेता हूँ 50, इसको एंटर किया तो ये देखिए हमारे पास 11 कॉलम्स बन गई हैं और 50 जो है हमारे पास ये रोज़ बन गई हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको मिलते रहें।